यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। कन्नौज से खबर है जहां पर ईद का बाजार इस बार खरीदारों की बेरुखी से ठंडा पड़ा है। यहां के मुख्य बाजारों से ग्राहकों की रौनक गायब है। दुकानदार इसका कारण महंगाई और दूसरे कामों का सन्नाटा बता रहे हैं। हालांकि ईद मनाने वाले सेवई और बच्चों के कपड़े समेत दूसरे जरूरी सामान खरीदने निकले। ईद के सामान के खरीदारों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में अपने लिए भले ही कुछ न बने, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही है। तो कुछ लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे हैं, लेकिन बावजूद इसके ठंडा पड़ा है बाजार। महंगाई और बेरोजगारी को कारण बताया जा रहा है और ईद का जो बाजार सजा है वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। दुकानदारों का ये कहना है कि लोग ज्यादा खरीदने के लिए नहीं आ रहे, रौनक जो है वो बाजारों से गायब हो गई है। और कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए जरूर पहुंचे हैं, लेकिन वो रौनक देखने को नहीं मिल रही जो ईद के दौरान अक्सर देखी जाती है। तो ईद का बाजार यहाँ पर ठंडा पड़ा हुआ नजर आया, ठंडे बस्ते में नजर आया, जिसके चलते दुकानों में भी भीड़ कम देखने को मिली, दुकानदारों में रोष भी देखने को मिला, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी के चलते और महंगाई के चलते इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है।